नमस्कार, आज की वीडियो निखिल भाई के नाम। निखिल भाई, क्या चीज है आज? तो ये साउंड बार है मीवी की तरफ से। मैं पूरे दिन से मतलब कि एक्साइटेड हूँ इसमें देखने के लिए। बॉक्स को भी खोल दिया निखिल भाई। बॉक्स मैंने पहले से खोल दिया है, बट पूरी अनबॉक्सिंग नहीं की है। तो कुछ इस तरह से पैकिंग आती है इसकी। पैकिंग जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इसकी, क्योंकि यार ट्रूली मेड इन इंडिया में भी यार ये प्राउड से करेंगे, गर्व से कहेंगे मेड इन इंडिया ब्रांड। यार अभी देख लेते हैं मेड इन इंडिया ब्रांड। ये रही हमारी मेन चीज। इसके साथ एक और भी आया है, वो आई थिंक इसका अडाप्टर है, इसका पावर अडाप्टर है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि स्टूडियो के लिए यार काफी बड़ी है, इसका साइज काफी लंबी है, इसलिए स्टूडियो में तो कर नहीं सकते। अगर आपको एंटरटेनमेंट के शौकीन है, गाने म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। जी ये इसकी आक्स केबल आ जाती है, बाई चांस अगर आपको आक्स के साथ अपना फोन वगैरह जो भी कनेक्ट करना है। और ये इसकी रहा अडाप्टर पावर केबल है, इसके साथ ये बैटरी मिल जाएगी, छोटी वाली ट्रिपल साइज की बैटरी है। तो पहले साउंड बार देख लेते हैं, जिसके लिए निखिल भाई एक्साइटेड है, सबसे एक्साइटेड है। बाकी उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं। इन्होंने लगाए हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोरियर के टाइम डैमेज ना हो प्रोडक्ट। यार क्वालिटी तो यार प्रीमियम ही लग रही है। बाकी इसके बाद साउंड टेस्ट कर लेंगे बाद में। पहले इसका मैं पावर अडाप्टर दिखा दूं, तो यहाँ पे लिखी हुई है 15 वोल्टेज 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर का 2000 MA 30 वाट का ये पावर अडाप्टर आ गया इसका। उसके बाद ये आ गया रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल की क्वालिटी बेसिक सी है, तो ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। नीचे मीवी की ब्रांडिंग दी हुई है। ये आगे इसकी ऑक्स केबल, तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन बचे हुए, गारंटी कार्ड वगैरह, ये इसका यूजर मैनुअल आ गया। थोड़ी सी नज़र यूजर मैनुअल का डाल लेते हैं। यहाँ पे 60 वाट बताया हुआ, देख लेंगे यूज करने के बाद 60 वाट है कि नहीं। इसके स्विच के बारे में बताया, जो बैक की साइड यहाँ पे कनेक्शन वगैरह बताया, 20 वोल्टेज पावर अडाप्टर के लिए, ऑक्स के साथ यूएसबी के लिए, स्मार्ट स्विच इसके आगे, देख लेते हैं कौन सी साइड में है। शायद इसी साइड में है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने स्विच बताए हुआ, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए होगा उसके। यहाँ पे रिमोट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, बाकी इसकी जो भी सेफ्टी वगैरह यूजर मैनुअल काउंटेशन वगैरह बताया हुआ है। तो जल्दी से इसको ब्लूटूथ के साथ पेयर कर लेते हैं और साउंड टेस्ट कर लेंगे इसका। फिटिंग में यार काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, साइज तो इसका अच्छा लग रहा है। बाकी निखिल भाई अभी कनेक्ट करेंगे, मैं जल्दी जल्दी अडाप्टर को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे पावर आ गया है, जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्टेड हो गया निखिल भाई। NCS म्यूजिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। तो जल्दी से करते हैं NCS म्यूजिक। एक चीज वीडियो में स्पेशल है, वो है मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन। यार वीडियो आप देखते हो, उसको लाइक भी नहीं करते हो, यार चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। सच में यार इस रेट में इतनी क्लियर साउंड मुझे नहीं लगता कोई कंपनी कोई ब्रांड दे सकता है। और मेड इन इंडिया, ट्रूली मेड इन इंडिया, ट्रूली मेड इन, सबसे बड़ी चीज है कि ट्रूली मेड इन इंडिया है, और इंडिया का प्रोडक्ट अच्छा ही होगा ब्रो। बाकी यार बेस के मामले में यार इतना हैवी नहीं, बेस थोड़ा कम है, वो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। जहाँ तो क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ बेस मिलेगी, इसमें क्लैरिटी थोड़ी जबरदस्त है। और वैसे भी मैं बेस का ना शौकीन नहीं हूँ, वोकल्स क्लियर होने चाहिए। साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से इसकी साउंड आती है आप इसको फिट करने के बाद, क्योंकि उस टाइम बेस नहीं बज रहा था, क्योंकि मैंने टेबल पे रखा हुआ था। तो अभी देख लेते किस तरीके से इसकी आवाज आती है। निखिल भाई की शॉप पे लगाई है। हेलो, तो निखिल भाई बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने मेरे क्रिएटिव के सब ऊपर लगे हुए हैं, बट उनके मुकाबले इतनी तो नहीं है, बट इसकी जो आवाज की क्लैरिटी है ना, कसम से मत पूछो। अगर आप LED के लिए वगैरह लेना चाहते हो तो एकदम बेस्ट है। एक कमरे के लिए लेना चाहते हो ना तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी है। बेस भी अच्छी है, वो ज्यादा बेस चाहिए तो उसके लिए आपको अलग तो खरीदना पड़ेगा, पर इसकी बेस भी अच्छी है, साउंड भी अच्छी है, सब कुछ इस प्राइस के, इस प्राइस पॉइंट पे इसका सब कुछ अच्छा है, तो आप बिना झिझक के इसे ले सकते हैं भाई। अगर आप इस प्राइस रेंज में, आपको पता कोई मिल नहीं रही। और यार ऐसा नहीं, बेस बिल्कुल नहीं है, बेस बहुत अच्छी बेस है। और हाँ, वो अगर अलग लेंगे तो अलग लेना पड़ेगा, ऐसे बहुत अच्छी बेस है। यार मेड इन इंडिया, 5x5 देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो बेसिकली पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। देख सकते हैं यार
क्वालिटी भी काफी अच्छी है और डिजाइन भी मेरे को अच्छा ही लगा यार। वोकल्स है ना एकदम क्लियर सुनाई देते हैं इसके, ऐसा नहीं आवाज दब रही है, वोकल्स बड़े क्लियर है इसके। चैनल से देखो यार इतने अच्छे रिव्यू मिलते हैं, तो अगर इन फ्यूचर में भी ऐसे ही रिव्यू चाहते हो तो साहिल भाई का चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि न्यू गैजेट साहिल भाई अनबॉक्सिंग और रिव्यू देते हैं। देखो यार क्या चीज है आपका, और अगर आपको कोई और प्रोडक्ट भी खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप साहिल भाई से कॉन्टेक्ट करें, इन्हें पूछे कि कैसा है, या आपको मेरी तरफ से मैं बोलूंगा 100% आपको रिप्लाई देंगे। यार वीडियो के लिए थम्स अप निखिल भाई ने जो दूसरे एक्सपीरियंस बताया, ये नहीं कि दिखावा करके बता दिया यार, रियलिटी बताई है। चैनल होगा इनका, प्रॉफिट होगा इनका, मेरे को क्या है, ठीक है, मैं तो जो है वही बता रहा हूँ, क्योंकि यार हम चीज वही दिखाते हैं जो वीडियो में दिखाया होता ना वो रियल होता है, ये नहीं कि फेक की पेड प्रमोशन करते हैं। यार हम चीज यूज करते हैं पहले उसका रिव्यू फिर बाद में देते हैं। देखो अगर बेचने ऐसे रखे तो मैंने फिट कर दी है, इतनी मुझे पसंद आई मैंने फिट कर दी, मैंने बस जेसी का सुनेंगे जाने हो, ठीक है ना भैया। 10 दिन यूज किया निखिल भाई ने, 10 दिन का देख लो, मेरे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, बेस्ट है यार। ठीक है यार वीडियो देख ली और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। बड़ा धमाका तो देख लिया, अभी छोटा धमाका भी है, मेवी की तरफ से ये भी है, छोटी सी चीज है मेवी रोम 2, इसका भी हम रिव्यू करने वाला हूँ, शॉर्ट होगा इसका रिव्यू, मैं जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ, किस तरीके का इसकी साउंड टेस्ट ही करेंगे मैंने, इसका डिजाइन वगैरह चेक कर लेंगे। इस वीडियो के लिए यार 1 लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत लगती है 1 लाइक करता। मेवी पूछता लिमिट्स, ये आगे इसका डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होंगे, यहाँ पे वारंटी कार्ड के लिए आ गया, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं वारंटी, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने के बाद। तो ये हमारा मेन डिवाइस आ गया, इसको थोड़ा लेता हूँ, पर कवर लगा हुआ है, ये आ गया हमारा मेन डिवाइस, ये वो मेवी रोम 2 है, खोल के दिखा दूँ। तो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है यार इसका, से मतलब कि सिल्वर की तरह है, बैक की साइड मेवी की ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पे रख दिए हुए हैं। तो ये आगे इसके वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन के लिए, तो ऑन करके दिखा दूँ, तो काफ़ी अच्छी साउंड आएगी इसकी, कनेक्ट करके देख लेंगे। उसके साथ देखते हैं ये आगे ऑक्स केबल, नहीं ये चार्जिंग वाली आ गई, USB 2 माइक्रो USB, यहाँ पे मेवी की ब्रांडिंग दी हुई है, ऑक्स केबल वाली देख लेते हैं यार, ये काफ़ी छोटी मुझे नहीं पता इतनी छोटी क्यों उन्होंने दी है बॉक्स में, तो मैं इसको पेयर कर लेता हूँ यार, ये वाला डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ, क्या चीज़ है ये, यहाँ पे मेवी क्या देख लेते हैं, वेलकम टू द क्रू बताया हुआ है, सिग्नेचर की हुई है, इसका को फाउंडर है मेवी का। यहाँ इसकी यूजर मैनुअल, यहाँ पे बटन के बारे में बताया हुआ है, वॉल्यूम अप डाउन और पावर ऑन ऑफ के लिए, चार्जिंग जो भी होगा इसके बारे में प्योर इंग्लिश में, और मेवी की अच्छी बात ये है कि ये मेड इन इंडिया, ट्रूली मेड इन इंडिया, यहाँ पे यही बताया हुआ है, क्राउट मैन वगैरह कुछ बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छे भेजता है मेवी यार, इसे डॉक्यूमेंट में मामले में मानना पड़ेगा, अभी साउंड के मामले में भी देख लेते हैं कि खाली डॉक्यूमेंट ही भेजे हुए हैं, यहाँ प्रोडक्ट भी अच्छा है कि नहीं है, इसको ऑन कर लेता हूँ मैं, ऑन कर दिया मैंने, ब्लूटूथ मोड रेडी है, तो NCS म्यूजिक यूज करेंगे, कोई कॉपीराइट का इशू ना बन जाए।